हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और जो 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं अभी रिसेंटली जून के महीने में ही, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आपका SSC CGL ग्रामीण बैंक एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए हैं। लेकिन JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो कि 23 जून 2024 को कंडक्ट हुआ है, अब इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो पिछला JKSSB का जो 5 से 6 महीने का सिस्टम रहा है एग्ज़ाम लेने का, रिज़ल्ट निकालने का, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन हमने की है। तो उसके अकॉर्डिंग JKSSB सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमें देखा पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, JKSSB जब भी कोई एग्ज़ाम लेता है उसका आंसर की सेम डे अनाउंस कर देता है शाम तक। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जैसे आपका पेपर हुआ आंसर की आ गई। अब सुपरवाइज़र की आंसर की में मेंशन किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या कोई रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहता है JKSSB को, तो वो भेज सकते हैं प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग। वो ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया है। अब होगा क्या, पहला स्टेप है आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है अगर कोई गलत आंसर वहाँ पे है। जब आप ये रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे JKSSB, उसके आगे 2-4 दिन का टाइम लेके या हफ्ते का टाइम लेके एक नया आंसर की निकालेगा, जिसको हम रिवाइज आंसर की बोलते हैं। आप ये पूरा टेक्स्ट भी पढ़ते जाओ, इससे आपको क्लियर होगा। उसके बाद जब आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगा, उसके बाद वो फाइनल रहेगा। और उसके बाद आप लगा लो 10 से 20 दिन का टाइम लगेगा JKSSB को पूरा एक रिज़ल्ट या स्कोर कार्ड प्रिपेयर करने में कि कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आए। उसके बाद वैकेंसीज़ को देखते हुए और जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए बच्चे कितने, कौन सी कैटेगरी से लेने हैं, रिजर्वेशन किस तरह की है, उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसको हम सिलेक्शन लिस्ट बोल सकते हैं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बोल सकते हैं, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो आपने डिटेल फॉर्म भरते वक्त भरी हैं वो सही हैं, वो आपके पास मार्कशीट्स हैं या नहीं है, वो चेक होगा। अब कुछ कैंडिडेट हो सकता है इसमें से आउट हो जाए, कुछ कैंडिडेट होगा कि मैक्सिमम के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा ईजिली। उसके बाद JKSSB क्या करेगा, कम से कम आप एक एक्सपेक्टेड लेके चलो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके आगे 10 से 15 दिन का और टाइम लेके आप मान के चलिए कि एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जिसमें जितनी कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं उतने बंदे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुलाए जाएंगे फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। फिर उसके आगे का जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग एंड ऑल वो रहता है। तो फिलहाल एक आइडिया लेके चलें तो 1 से 1.5 महीने का टाइम ओवरऑल लग सकता है आपको इस सारे प्रोसीजर में। अब सर, अब आंसर की आ गई है, हमें तो अब पता चल ही गया है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है कैसा नहीं। तो जिनका सफिशेंटली हायर स्कोर है मेरिट में, तो आप स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड। लेकिन अब सभी आप जानते हैं कि हर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में वैकेंसीज अगर 100 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फॉर्म भरने वाले लोग 1 लाख होंगे। तो कहने का मतलब ये कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब अगर लेनी है उसका एक ही तरीका है, सबसे ज़्यादा जितने ज़्यादा फॉर्म हो सकता है वो भरे। उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा आप फॉर्म भरेंगे उतनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट होंगे। अब आप सोचेंगे मैं साल में फॉर्म ही एक भरूँ और पेपर ही एक दो, और फिर आप सोचें आपकी नौकरी लगेगी वो भी जल्दी, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सिमिलर सा सिलेबस आपको ऑलमोस्ट पेपरों में दिखेगा। तो जितने ज़्यादा पेपर देंगे आपके, ऑटोमेटिकली पढ़ाई चलती रहेगी, तैयारी चलती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ज़बरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। जैसा कि हम डेली बेसिस पे स्टूडेंट से मिलते हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट होते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते जा रहे हैं। तो आपको रुकना नहीं, ये नहीं कि एक पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अब हम साल पहले सोचते रहें कि हुआ क्या, हमारी क्या गलती हो गई, हमने क्यों नहीं पढ़ा, ये है वो है। तो जब भी फॉर्म कोई निकलता है, जितनी एक्साइटमेंट फॉर्म निकलने के पहले दिन आप सभी को होती है, उतनी एक्साइटमेंट पेपर के दिन तक रहनी चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो और बार बार आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।